जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पे। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली जो आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है टीओडी को लेकर, आपने बहुत सारे मीडिया व्यू देखे हैं और अलग अलग प्रकार की बातें आप इसको लेकर सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे हैं सर टीओडी में कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, इसकी जो एज क्राइटेरिया आएगा वो क्या आएगा, और अब अगर सारे टीओडी में जाएंगे ट्यूर ऑफ ड्यूटी में तो फिर हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, क्या हम इसमें 17 साल नौकरी कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे कर पाएंगे, या क्या हमको 4 साल नौकरी करने के बाद में एक एग्जाम और देना पड़ेगा या फिर से फिजिकल फाइट करना पड़ेगा, इसकी पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होने वाली है। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपकी काफी मददगार भी रहा, आपने बहुत प्यारे से कमेंट किया उसमें, और जो भी आपके डाउट थे वो इस वीडियो में मैं पूरे कर रहा हूं। साथ ही एक चीज और बता देता हूं, उससे पहले जितने भी बच्चे जो सीजीएल टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं 11 से 12 जून तक ओलिव बोर्ड की तरफ से मॉक टेस्ट रखा गया है, तो जो भी बच्चा देना चाहता है मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और बिल्कुल फ्री टेस्ट सीजीएल लाड लो, जाके आप यहां से ले सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री है ये, और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं आपको टीओडी का पूरा समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा, आपको इसकी पूरी जो रूपरेखा है किस प्रकार से रहती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इसका एज क्राइटेरिया जिस प्रकार से आर्मी का रहता है 18 से 21, उसी प्रकार से इसकी आयु सीमा रहेगी, लेकिन हाँ जो न्यूनतम सीमा है वो 18 रहेगी, लेकिन जो आगे की जो सीमा है उसमें ज्यादा रहेगी और हो सकता है कि उसमें आरक्षण के आधार पर छूट भी दी जाए, जिस प्रकार मुख्य आर्मी में रहती है उससे अलग, जैसे टीए आर्मी में आयु सीमा रहती है 40 साल तक, उसी प्रकार से इसमें भी आयु में छूट दी जा सकती है और उसकी लिमिटेशन भी आगे बढ़ाई जा सकती है, हो सकता है आरक्षण भी एड करे, आरक्षण नहीं किया जाएगा तो भी इसकी आयु कम से कम न्यूनतम 18 रहेगी, लेकिन आगे की ज्यादा। अब कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता इसको लेकर भी बहुत सारे अलग अलग वीडियो आते हैं, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं वो भी वीडियो। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि जैसे मान के चलिए कि 100 जवान आर्मी में है हमारे देश के, मैं एक उदाहरण के लिए आप इस चीज को मानिए कि 100 जवान है, तो इसमें से जो 85 जवान है यानी 85 वो मुख्य आर्मी यानी जो कि स्थायी आर्मी है जिसमें आप 17 साल या इससे ज्यादा सर्विस करते हैं उसके रूप में चुने जाएंगे, कितने 85, और जो 15 जवान हैं वो मान के चलिए किस प्रकार चुने जाएंगे जो कि ट्यूर ऑफ ड्यूटी। अब इस परसेंटेज में फिक्स नहीं है कि 15 ही रखे, हो सकता है शुरुआत में ये 10% रहे और ये 90% रेशियो रहे, इस प्रकार से ही टीओडी शुरू हो गए, ध्यान रख लेना मैं वीडियो बना रहा हूं आपको 100% क्लियर कर दे गई। तो जो ये 10% है, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हम तो ये, अरे क्यों हो जाएगी, आप डिसाइड करने वाले हैं कि आपको ट्यूर ऑफ ड्यूटी में जाना है या मुख्य आर्मी में जाना है, तो डिसाइड आप करने वाले हैं, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं है कि हर एक बंदे को टीओडी में जाना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं होगा। टीओडी के अपने अलग फायदे होंगे, अलग रूल होंगे, अलग जाने की प्रोसेस होगी, अलग एग्जाम होगा, अलग भर्ती होगी, जिस प्रकार से टीए आर्मी की भर्तियां होती है, और जो मुख्य आर्मी जिस प्रकार से अभी रैली भर्ती चलती है ये इसी प्रकार से ही रैली भर्ती आगे चलती रहेगी, रैली भर्तियां बंद नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ये बोलने लगे सर तो अब तो आर्मी की भर्ती भी नहीं आएगी, अरे आर्मी की भर्ती आएगी, रैली भर्तियां भी चलते रहे, आप अपनी तैयारी भी जारी रखिए, ठीक है। जितने बच्चे एक चीज और, हाँ जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, वो कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए लाड लो, और अभी उस पर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हुए हैं आर्मी एसएससी जीडी के और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, तो जल्दी से जाके आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई ना, बहुत सारे ये पागलों की तरह आके मत करो, जो अंधे लोग बोलते हैं उनकी सुनो मत, थोड़ा सा अपनी बुद्धि काम में लो, पूरी की पूरी जो सेना है 4-4 साल के आधार पर डिसाइड नहीं होगी, और शुरुआत में केवल आर्मी आर्मी है ना, केवल जो नेवी और एयरफोर्स में नहीं लागू की जा रही, केवल आर्मी में लागू की जा रही है, उस पर भी केवल 10% सीटों पर प्रशिक्षण किया जाएगा, ध्यान रखना बाकी पे नहीं। जो मुख्य आर्मी की रैली भर्तियां ये इसी प्रकार लगातार चलती रहेगी, इसका टीओडी से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर इसमें देखो लिखा हुआ है कि अब पूरी आर्मी में टीओडी के द्वारा ही भर्ती होगी, तो न्यूज़पेपर को ना तो कोर्ट गवाह के रूप में मानता है ना कोई और उसका कुछ बढ़ता, तो उस पर मत मानिए, ये ध्यान रखिए आपके साथ ये कोई धोखा नहीं है, आप डिसाइड करने वाले हैं कि आप टीओडी में जाओगे या नहीं, ठीक है। तो आपको अगर नहीं जाना आप मुख्य आर्मी की तैयारी करिए, हाँ ये जरूर होगा कि इसकी वजह से थोड़ी सी आर्मी की जो सीटें हैं भर्ती की थोड़ी सी कम होगी, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, आपको थोड़ा सा बड़ा कंपटीशन देना पड़ेगा, लेकिन वहीं पे एक विकल्प और भी खुल जाएगा जिनकी एज ज्यादा हो गई हो, और इसके अलग अपने फायदे रहेंगे, और इसके जो फायदे अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, समझ में आई बात। अब इससे संबंधित और कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए, अगले वीडियो में वो भी क्लियर कर देंगे। जय हिंद और जय भारत लाड लो।